यार ये अभी तक सो रहे? रोहित, रोहित उठो, आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, उठिए। अरे हाँ, क्या हो गया? लीजिए चाय। हाँ लो। अरे आप इतने लेट से क्यों उठे? आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे नहीं, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है। क्यों? आज मेरा कजिन भाई जो आने वाला है। ओके, तो आपने बताया क्यों नहीं? अरे कल नाइट में ही उसका कॉल आया था, तो मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। ओके ओके, ठीक है। और हाँ, एक बात पता है तुम्हें? हाँ बोलिए। जब से हमारी शादी हुई है और हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तब से पूरे फैमिली में से कोई भी मुझे मिलने के लिए नहीं आया। बस यही मेरा भाई है जो पहली बार मुझे मिलने के लिए आ रहा है। हाँ ये तो बात है। ठीक है, अच्छी बात है ना, कोई तो मिलने आ रहा है। तो ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी से खाने पीने की तैयारी करो। वो आ ही रहा होगा, बस आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, मैं बना लेती हूँ, आप नहा लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी फ्रेश होके आप भी आ जाओ। हाँ ओके, अभी आया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी, आप कौन? जी मैं आनंद, रोहित का छोटा भाई। ओ, रोहित के छोटे भाई, उन्होंने मुझे बताया था, आप उनके गांव से हो ना? जी जी। हाँ जी, हाँ जी, आइए। रोहित घर पे? हाँ वो अंदर ही है, आप आइए। हाँ जी। अरे आप बैठिए ना। जी भाभी जी। हाँ मैं रोहित को बुलाती हूँ, तब तक आप बैठिए। ठीक है भाभी जी। और कुछ लेंगे आप, चाय जी? कॉफी? अभी कुछ नहीं। और मेरे भाई। हाँ भैया। कैसा रहा सफर? बस बढ़िया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं नहीं। चल बैठ बैठ। आनंद तुझे पता है? क्या भैया? कई सालों में हमारी शादी के बाद फैमिली में से कोई मिलने नहीं आया, एक तू ही है यार जो मुझसे मिलने आया। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। पता नहीं भाई, मेरे लव मैरिज को लेके फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, कोई मुझसे मिलने तक नहीं आया यार। तू खुद से आया मुझे मिलने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। कैसी बातें कर रहे हैं भैया, मैं पराया थोड़ी हूँ, आप तो मेरे अपने हैं, और मैं आप लोगों से दूर हो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों से मिलता चलूं, और मैं आज आपके पास आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई तेरी यही शादी मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। और घर पे सब कैसे? बस बढ़िया रहा भैया। चलो अच्छा है। लीजिए पानी। पहले पानी पी ले। जी आप भी लीजिए। मैंने बताया था ना तुम्हें? हाँ, इनके बारे में हमारी बात हो चुकी है। हम दोनों बचपन में हमेशा साथ में ही रहते थे, और ये मुझे कभी अकेला छोड़ता भी नहीं था। हाँ ये बात करते रहते हैं आपके बारे में। जी भाभी। मिलकर अच्छा लगा आपसे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाभी। अच्छा अनु, मैं थोड़ा बात करके आता हूँ, ये पकड़ो। हाँ मैं बता नहीं सकता आपको, उस समय मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा सुन। हाँ भैया। कुछ काम आ गया है ऑफिस से, तो मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी यार। क्या भैया, आप ऐसा क्यों करते हो? वैसे भी आपने लव मैरिज किया और गांव छोड़ के चले गए, और जब यहाँ आया हूँ तो आप यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हो। सॉरी यार, ऑफिस का काम है ना। ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, ये मुझे भी अकेला छोड़ अब के चले क्या करूँ जाते यार, काम ही तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं क्या बोलूँ आनंद, मुझे जाना पड़ेगा अभी। वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम दोनों की अच्छी बनेगी। आप लोग बात करो, मैं पैकिंग करके निकलता हूँ। ठीक है। मैं कुछ हेल्प कर दूँ? नहीं नहीं इट्स ओके, मैं कर लूंगा। ओके ओके। और बताइए, आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं भाभी, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आराम से रहिए, अपना ही घर समझिए। अच्छा भाभी, ये अक्सर ऐसे ही बाहर जाते रहते हैं? अरे यार मैं परेशान हो चुकी हूँ, क्या बताऊँ, इनका काम ही यही है, मुझे अकेले ही घर में रहना पड़ता है। जरा अपने पल्लू से बांध के रखो, कहीं भैया फिसल ना जाए।
फिसलने की बात नहीं है, क्या करें, काम के लिए रोक भी तो नहीं सकते, घर कैसे चलेगा फिर। वैसे भाभी घर तो बहुत अच्छा बनाया आपने। हाँ, इनकी मेहनत की देन है। और पता है, जब से आप लोगों की शादी हुई है ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए उस कमीने ने मुझे शादी में नहीं बुलाया। ऐसा क्यों? पता नहीं, सोच रहा है कहीं उससे मैं आपको चुरा न लूं। ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचते, वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, थोड़े मतलब सारे रिश्तेदारों से दूर ही रहते हैं, पता नहीं क्यों, कोई प्रॉब्लम होगा शायद इसलिए। वो तो है। वैसे भी आप इतने दूर से आए होगे, थक गए होगे, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है भाभी जी। ओके, आप रेस्ट करिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ओके भाभी जी। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसने जब से गांव छोड़ा है ना, तब से शहर में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना ली है और इतनी खूबसूरत लड़की से शादी भी कर ली। तरक्की तो की है, मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो गांव में ही रह जाऊंगा। लेकिन मैं करूं तो क्या, किसके जैसा सेटल हो जाऊं। चलो बढ़िया है। ये रोहित कितना सारा सेल्फिश निकला। शादी कर ली, साले ने बंगला खरीद लिया, सेटल हो गया, गांव में इसके मां बाप भूखे मर रहे हैं और ये यहां पे मजे कर रहा है। साले ने एक बार भी अपने मां बाप की खबर नहीं ली। मैं बताता हूं इसको क्या होता है तड़प। मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि बिना मां बाप के जब कोई अपना बिछड़ता है तो कितना दर्द होता है। सबसे पहले तो उस औरत को उसकी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। साला उसी की वजह से मां बाप उससे दूर हो गए। और ये प्रॉपर्टी किस काम की? ये प्रॉपर्टी जब उसके माँ बाप वहां रो रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसे एहसास तो दिलाना ही पड़ेगा दर्द होता क्या है। बस अब ज्यादा दिन नहीं, मुझे जल्दी ही इसका कुछ करना पड़ेगा। यही तो मौका है, कुछ करना पड़ेगा आज। हाँ सर। अरे सर, आपका लोन मिल जाएगा सर। अरे मुझे 25 दिन का टाइम तो दीजिए, मैं सर आपके सारे लोन चुका दूंगा। अरे सर, मैं बिजनेस के लिए तो आया हूं, मुझ पे भरोसा रखिए सर, सिर्फ 25 दिन का टाइम है, मैं आपके सारे लोन चुका दूंगा सर। बस मेरा एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाए, फिर आपके लोन फटाफट चुका दूंगा सर। और इसीलिए तो मैं इस शहर में आया हूं कि मेरे सारे लोन चूक जाए। और सर ये जल्दी काम हो जाएगा,
जी सर। अरे सर। नहीं नहीं सर, आपको दोबारा शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा सर। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ सर। हाँ सर। सर मुझे कुछ दिन का मौका दीजिए, मैं जल्द से जल्द लोन कंप्लीट कर दूंगा सर। और प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, इस बार जरूर कंप्लीट कर दूंगा सर। ठीक है सर। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाभी, कुछ नहीं है। अरे बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे साफ साफ दिख रहा है आपके चेहरे से। भाभी क्या बताऊं, आपको तो सब पता ही है कि मैंने 25 लाख का लोन लिया है, और उस लोन को कंप्लीट करवाने के लिए मुझे 25 दिन का टाइम मिला है, और इस बीच मुझे सारे लोन कंप्लीट करने हैं। एक्चुअली क्या है कि 25 दिन बाद ही मुझे मेरे सारे पैसे रिकवर होने वाले हैं जो मैंने बिजनेस में लगाया है। अब ये हो रहा है कि मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा। वो लोन वाले काफी फोर्स कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पैसे लौटा दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कंप्लीट कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं ये सब। लेकिन भाभी आपको पता है कि मेरे गांव में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, चाहूं तो मैं उनको गिरवी रख के लोन कंप्लीट कर सकता हूं और 25 दिनों में उन्हें छुड़ा सकता हूं। पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी मैं गिरवी रखूं। अरे यार बस इतनी सी प्रॉब्लम, ये घर दिख रहे हैं ये भी तुम्हारा ही है। मैं चाहूँ ना तो मैं तुमको मेरे ये घर के पेपर्स दे सकती हूँ। नहीं भाभी जी। बट एक शर्त पे, 25 दिन के बाद तुम्हें लौटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? नहीं भाभी प्लीज ऐसा मत करिए, आपने पहले जो किया है मेरे लिए बहुत किया। अरे है। कोई बात नहीं, इस घर को भी तुम अपना समझो, और 25 दिन की तो बात है ना, उसके बाद तो तुम लौटा ही दोगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी रोहित ने कहा था कि तुम बहुत ही मेहनती हो और अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, और आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भाभी अगर भैया को पता चल गया तो? अरे उनको कौन बताएगा, तुम बताओगे नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगी तो उनको कैसे पता चलेगा? और 25 दिन बाद तो मुझे लौटा देना, और कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा दिया, और 25 दिन बाद मैं आपके सारे प्रॉपर्टी के कागज आपको लौटा दूंगा, और अपने लोन से भी मुक्ति मिल जाएगी मुझे। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं अभी पेपर्स लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी। तब तक तुम चाय पियो। अब देख रोहित, मैं कैसे धीरे धीरे ये सारी प्रॉपर्टी अपने काबू में करता हूं, तुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दूंगा मैं। तब तुझे भी पता चलेगा, जब कोई अपना पास नहीं होता ना तो कितनी तकलीफ होती है। तुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दूंगा, जैसे तूने अपने माँ बाप के साथ किया ना, वैसे तुझे भी मैं तड़पाऊंगा। तब तुझे पता चलेगा कि माँ बाप की बद्दुआ क्या होती है। ये लो। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है, और मैं वादा करता हूँ कि 25 दिन में आपके सारे प्रॉपर्टी के पेपर आपको वापस कर दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, इसलिए तो मैंने तुम्हें ये पेपर दिया है ना। थैंक यू सो मच भाभी। अच्छा भाभी मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम से जाना है।
आई होप इनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। चलो एक काम तो हुआ, अब दूसरे काम की तैयारी करते हैं। हाँ भाई। हेलो। हाँ आनंद बोल, कैसे हो? मैं तो बस ठीक हूँ, बस एक मिनट होल्ड करना। हाँ रोहित। हाँ बोल। कब आ रहा है तू? यार देख, मुझे आने में 3 से 4 दिन तो लग जाएंगे। और वहाँ पे सब ठीक है? अन्नू ख्याल तो रख रही है ना तेरा? यार रोहित अब मैं तुझे कैसे बताऊँ? कैसे बताऊँ, क्या हुआ? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है बताने में। अरे बोल ना भाई, क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? देख मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहना जरूरी है। बता मुझे क्या हुआ भाई। तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? अरे कैसा धोखा भाई? वो तेरी बीबी है ना, तुझे बहुत बड़ा धोखा दे रही है। क्या आनंद, ये क्या बात कर रहा है तू? मेरे कितनी बार मना करने के बाद भी वो मुझसे अटैच होना चाहती है। क्या कहती है? कि तुम्हारे भैया मुझे वक्त नहीं देते, इसलिए तुम मेरे साथ रिश्ता बनाओ। आनंद, अन्नू ये सब। अब यार रोहित, अब तू बता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यार तू मेरा भाई है, वो मेरी भाभी है, मुझे तो ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है। जिसके लिए तूने यार घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, वो तुझे धोखा दे रही है यार। कैसी बीबी के साथ रहता है तू? यार आनंद, मुझे सच में पता नहीं था कि अन्नू ऐसी निकलेगी। यार मैंने उस पे भरोसा करके मेरा गांव छोड़ा, माँ बाप छोड़ दिए थे यार। यार रोहित मैं तो बोल रहा हूँ तू अपनी बीवी को छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। पर आनंद, और रही बात सबूत की, मैं देता हूँ ना एक एक सबूत दूंगा, और फिर तुझे पता चलेगा कि तेरी बीवी तुझसे क्या धोखा कर रही है। अरे मैं था, तेरा अपना था, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। कोई दूसरा होता ना तुझे पता ही नहीं चलता, और पता ही नहीं कि कितनों के साथ ऐसा कर रही होगी। लेकिन तू मेरा अपना है, मेरा भाई है, इसके लिए मैं तुझे बता रहा हूँ। देख मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मैं बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ भाई तू जल्दी आ, और आके देख जब तू आएगा तेरी आंखों के सामने दिखेगा कि तेरी बीबी क्या गुल खिला रही है और कितना बड़ा धोखा दे रही है। तब तुझे पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। तेरा भाई कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ आनंद, मैं सारा काम छोड़ के बस 2 घंटे में पहुंचता हूँ घर पे। ठीक है भाई तू जल्दी आ। ठीक है चल बाय, मैं रखता हूँ। हाँ ठीक है। चलो दूसरा काम भी हो गया, अब आती है क्लाइमेक्स की बारी। बर्बादी चालू। देख रोहित अब मैं क्या गेम खेलता हूं, अब तू फिनिश। बहुत तड़पाया रे तूने अपने माँ बाप को, अब तेरी बारी है, तू भी ऐसे तड़पेगा जैसे तेरे माँ बाप तड़पे। और रही बात इस प्रॉपर्टी की, ये तो तुझे अब मिलने से रही। हाय भाभी। अरे आनंद आ गए आप? हाँ एक्चुअली आपने इतना बड़ा मेरा काम जो कर दिया तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। अरे कोई बात नहीं, इतनी रात हो गई थी आप सो जाते। भाभी जी जब से आपको देखा है ना तब से मेरी रातों की नींद गायब हो गई है, और जिसकी इतनी खूबसूरत भाभी हो तो रातों को नींद कहाँ।
दिन में भी चैन नहीं मिलता। सोच रहा हूं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूं, जो भैया आपको नहीं दे सकते। नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कोई बात नहीं है। भाभी, मुझे गलत फहमी नहीं हुई है, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मुझे पता है आप भी यही चाहती हो। देखिए, आप चले जाइए, अगर आपके भैया आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाभी, अनु, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे भाई के साथ ये सब कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? रोहित, देखो ना, पता नहीं वो क्या। बिल्कुल चुप। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ये सब भी कर सकती हो। अरे अच्छा हुआ ये मेरा भाई था, जो मुझे पता चल गया मेरे पीछे पता नहीं कितने लोगों के साथ। रोहित, सुनो ना मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी कभी सामान पैक करो और प्लीज निकल जाओ यहाँ से। लेकिन एक बार मेरी बात। मैंने कहा निकलो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी के अभी निकलो इस घर से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। रोहित, आज रोहित, के बाद मेरी बात सुनो ना। कुछ नहीं सुनना है मुझे। रोहित, थैंक यू आनंद, मैं तेरी वजह से बर्बाद होने से बच गया आज। बर्बाद होने से नहीं, तूने एक लड़की की वजह से अपने घर, अपने माँ बाप, अपना गांव छोड़ दिया, अपने खून के रिश्ते छोड़ दिए तूने उस लड़की की वजह से। और एक बात पता है तुझे? कौन सी बात? तूने आज इस प्रॉपर्टी को भी खो दिया है। ये क्या बात कर रहे हो? सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, इस रिश्ते को भी खो दिया है तूने। तूने जो तेरे माँ बाप के साथ किया है ना, ये उसी की सजा है। निकल जा अब यहाँ से, आइंदा ये शकल अब मेरे सामने लेके मत आना। भाई, ऐसे क्यों बोल रहे है भाई तू? क्योंकि मैं तुझे सबक सिखाना चाहता था, तुझे भी मैं बताना चाहता था कि जब कोई आदमी अपने माँ बाप को छोड़ता है, एक लड़की की वजह से अपने घर को छोड़ देता है और एक परिवार को खो देता है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए। और आज तेरे साथ वही सब हुआ है। निकल जा यहां से, दोबारा अपनी शकल मत दिखाना मुझे। जा, निकल जा।